नमस्ते जिला वस्तले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से इस चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत ड्रोन शक्ति 2023 की प्रदर्शनी में भारत के टैक्टिकल इंटरडिक्शन एंड अटैक एयर व्हीकल यानी कि TIAV के बारे में जानकारी मिली है। ये एक लो ऑब्जर्वल मल्टी रोल ऑटोनॉमस अनमैन एरियल व्हीकल है जिसे कि बेंगलुरु की न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने तैयार किया है। बता दें कि इस यूएवी की जो सर्विस सीलिंग है वो 6 किलोमीटर है और इसकी क्रूज स्पीड 170 किलोमीटर पर आर, इंड्यूरेंस 6 घंटे का है और रेंज 400 किलोमीटर की। TIAAV को डिजाइन किया गया है डीप एयर सपोर्ट मिशन और ग्राउंड फोर्सेस को क्रिटिकल सपोर्ट देने के लिए, और ये यूएवी इंटेलिजेंस, सर्विलांस और टारगेट एक्विजिशन जैसी भूमिकाएं निभा सकता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस भी शामिल है। और ये हमारे जो मिलिट्री प्लानर्स हैं यानी कि सैन्य योजनाकार, उन्हें रियल टाइम डेटा भी प्रदान कर सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना के INS कोलकाता D-63 कोलकाता श्रेणी के डिस्ट्रॉयर जकार्ता के बंदरगाह पर रुका हुआ है। इस दौरान इस डिस्ट्रॉयर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली और एक कोलैबोरेटिव इंडो रशियन प्रोजेक्ट भी देखा गया है। जकार्ता रुकने के दौरान INS कोलकाता ने अपना फ्रंट वर्टिकल लॉन्च सिस्टम खोलकर अपनी रणनीतिक क्षमताओं का प्रदर्शन किया और इस प्रभावशाली प्रदर्शन में इंडोनेशियाई नौसेना के अधिकारियों ने भी काफी इंटरेस्ट जाहिर किया है। जकार्ता में INS कोलकाता की मौजूदगी भारत रूस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की बिक्री को लेकर भारत और इंडोनेशिया के बीच चल रही चर्चाओं का भी हिस्सा है। ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली अपनी असाधारण गति और सटीकता के लिए प्रसिद्ध है जो कि इसे किसी भी नौसेना के लिए एक दुर्जय संपत्ति बनाती है। ये यात्रा न केवल भारत और इंडोनेशिया के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग को रेखांकित करती है बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता पर भी प्रकाश डालती है। दोस्तों जेन टेक्नोलॉजीज को रक्षा मंत्रालय से 227.65 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ये जानकारी कंपनी के तरफ से साझा की गई है। कहा जा रहा है कि इसके बाद कंपनी के शेयरों में 4% तक का उछाल दर्ज किया गया है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा एंटी ड्रोन सिस्टम प्रदान करने के लिए जेन टेक्नोलॉजीज को ऑर्डर दिया गया है और ये ऑर्डर CMS कॉन्ट्रैक्ट के तहत जारी किया गया है जिसकी कीमत 43.22 करोड़ रुपए है। बता दें कि इससे पहले भी इस कंपनी को 5 सितंबर को रक्षा मंत्रालय से 123.3 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्राप्त हुआ था। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों इंडो पैसिफिक के 36 देशों के आर्मी चीफ के साथ भारत ने बैठक की है जिसमें कि सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र ने जियो स्ट्रैटेजिक में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम किसी सैन्य गठबंधन पर बातचीत नहीं कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज का उद्देश्य किसी भी देश या फिर देश के समूह को टारगेट करना भी नहीं है और ये एक बहुपक्षीय प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य एक जैसी चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करना है। यही नहीं, जनरल पांडे ने कहा कि हमारा लक्ष्य विश्वास बनाना और सहयोग को मजबूत करना है और साथ ही शांति और स्थिरता को भी सुनिश्चित करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र केवल राष्ट्रों का समूह नहीं है और इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की रणनीतिक स्थिति एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भी बढ़ रही है और इस क्षेत्र में भारत का दृष्टिकोण सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान पर जोर देना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 के एग्जीबिशन में अपने 2 किलोवाट लेजर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन को प्रदर्शित किया जो कि नए प्रकार के सिमेट्रिक और डिस्ट्रक्टिव थ्रेट्स जैसे कि ड्रोन्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल को खत्म कर सकता है, वो भी 1 किलोमीटर की रेंज में। इसे G20 समिट के दौरान भारत की राजधानी दिल्ली में भी डिप्लॉय किया गया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों CD स्पेस रोबोटिक्स ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 में अपने स्पॉट V3 वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग UAV को प्रदर्शित किया जिसका इंड्यूरेंस टाइम करीबन 6 घंटे का है और इसकी पेलोड कैपेसिटी 50 किलोग्राम है। बता दें कि इसका जो अपर स्ट्रक्चर्ड फ्यूजलार्ज फीचर है इसके अंदर एवियोनिक्स और सेंसर्स को रखा जा सकता है। इसका इस्तेमाल इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकग्निशन जैसे मिशंस में किया जा सकता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। लखनऊ आधारित टेक ईगल ने अपने वर्टीप्लेन X3 हाइब्रिड VTOL को भारत ड्रोन शक्ति 2023 एग्जीबिशन में प्रदर्शित किया जिसकी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है और रेंज करीबन 100 किलोमीटर की, वो भी अलग अलग टेरिन में, और ये 3 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। इसका इस्तेमाल नौसेना और भारतीय आर्मी कार्गो डिलीवरी के लिए कर सकती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। न्यू स्पेस रिसर्च ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 में अपने कॉम्बैट UAV को प्रदर्शित किया है जो कि मैन मदरशिप के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है जिसमें कि इसके साथ 4 स्पेशलाइज्ड कॉन्फिगर किए हुए एडेप्टेबल वाइड रेंज ऑफ कॉम्बैट सिनेरियोस भी होंगे जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट होगा जो कि दुश्मनों के फाइटर जेट्स को जैम कर सकता है और दूसरा वेरिएंट केमिकेजी वेरिएंट होगा जो कि प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकता है दुश्मनों के हॉस्टाइल मिलिट्री एयरक्राफ्ट को, और इसका डिकॉय वेरिएंट दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम को भरमा सकता है फाइटर जेट की नकल करके। इसका
जो चौथा वेरिएंट है वो ISR वेरिएंट है, जो कि महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस और सर्विलांस डेटा भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना करीबन 1200 टोट गन सिस्टम को लेना चाहती है और इनिशियली यानी कि शुरुआती 400 सिस्टम के ऑर्डर दिए जा सकते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि 18 टन की ETAGS सभी प्रकार के टेरेन के लिए नहीं है और इसीलिए इसे नहीं सेलेक्ट किया जा सकता। दरअसल भारतीय सेना 155 mm 52 कैलिबर गन सिस्टम को लेना चाहती है, जो कि 15 टन से कम वजन की हो, और ऐसे में जो 14 टन की धनुष हविजर है उसे भी एक तगड़ा कॉम्पिटिशन करना पड़ सकता है 8 टन वाली माउंटेन आर्टिलरी गन सिस्टम से, जिसे कि कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम ने तैयार किया है, जिसकी 41 किलोमीटर की जबरदस्त रेंज है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इंडोनेशिया के वित्त मंत्रालय ने $2.16 बिलियन का जो फॉरन लोन है उसे अप्रूव कर दिया है, जिसके तहत 2 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन वो खरीदेगा, जो कि एडवांस AIP सिस्टम से लैस होंगी। और आपको बता दें कि नेवल ग्रुप पहले ही भारत के मझगांव डॉक शिप बिल्डर के साथ एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन कर चुका है, जिसके तहत वो इंजीनियर्स और इंडोनेशिया के नेवल इंजीनियरिंग कंपनी के वर्कर्स को सबमरीन कंस्ट्रक्शन की जो ट्रेनिंग है वो देगा। इसके अलावा एक्सटेंडेड सपोर्ट भी दिया जाएगा, जिसके तहत इन स्कॉर्पियन सबमरीन की मेंटेनेंस भी की जाएगी। और यही नहीं दोस्तों, अब जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर है वो अब ओवरसीज में भी तैनात होगी और वो इंडोनेशिया के इस कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन में काम करेगी, ताकि इंडोनेशिया का ये जो पनडुब्बी प्रोग्राम है वो सफलतापूर्वक पूरा हो सके। यानी कि भारतीय कंपनी नेवल ग्रुप के साथ मिलकर इंडोनेशिया के लिए सबमरीन्स बनाएंगी, जिसमें बकायदा इंडोनेशिया की जो इंजीनियर्स हैं यानी कि नेवल इंजीनियर्स हैं वो भी इसमें हिस्सा लेंगे। दोस्तों, एक चंद्रयान को लेकर एक खबर आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि शायद ही अब ये जाग पाएंगे। आपको बता दें कि अब यूरोपीय स्पेस एजेंसी लगातार सिग्नल भेज रही है इसे जगाने के लिए, लेकिन ये अभी तक नहीं जागे हैं और कहा जा रहा है कि शायद ये अब कभी नहीं उठ पाएंगे। लेकिन दोस्तों, पहले भी ऐसा हो चुका है कि जो अंतरिक्षयान है वो पूरी तरीके से ख़त्म माने जा रहे थे वो फिर से जगे और चलने लगे। कहा जा रहा है कि चांद पर गड्ढे और पहाड़ हैं, कई बार सतह के बराबर ना होने से रेडियो सिग्नल नहीं पहुंच पाता। लेकिन दोस्तों, चांद का जो तापमान है वो -200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नीचे हो जाता है। विक्रम और प्रज्ञान के यंत्रों को इस तरीके से नहीं बनाया गया था जो कि इतनी ठंड को झेल सके, और यही कहा जा रहा है कि शायद ये खराब हो चुके हैं, लेकिन इसरो फिर भी प्रयास कर रहा है। तो फिलहाल ये तभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।